हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्जी। मैंने आलू और गोभी को काट के धो लिया है। सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। एक चम्मच हम सरसों ऑयल डाल देंगे इसमें। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा अपनी सब्जी को फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, जो हमारी सब्जी सब अच्छे से पक सके। हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। आधा चम्मच हम तेल का डाल देंगे इसमें, सरसों का डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी हमारी जो सब्जी फ्राई हुई है उसमें भी थोड़ा सा तेल है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डाल देंगे एक चम्मच जीरा। जीरा हमारा हो चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा हो चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक चॉप किया हुआ वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसको। टमाटर को भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हम नमक डाल देंगे इसमें, जो टमाटर हमारा जल्दी से पक जाए। टमाटर भी हमारा पक चुका है, अब आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी देगी मिर्च हम डाल देंगे कलर के लिए, जो सब्जी में अच्छा सा कलर आ सके, और इनको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी सी हम कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे। तड़का हमारा पक चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें फ्राई की हुई गोभी। ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक हम धीमी आंच पे इसको पका लेंगे सब्जी को। अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे रख लेंगे।
कैसी लगी आपको हमारी ये आलू गोभी की सब्जी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना। थैंक यू सो मच।